कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्जाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके जाती तो नहीं जा सकते थे ना डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, खैरियत से? अल्लाह का फजल, अल्लाह का सुरते हाल है डॉक्टर साहब? मुझे तो पता ही नहीं कुछ, तबीयत बेटा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो मुझे जो मुझे बताया इन्होंने कि दिल टेक मी टू द हॉस्पिटल, क्योंकि आपको पता है मेरा थोड़ा सा कल ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा था। थैंक यू वेरी मच। और हेल्थ प्रॉब्लम है? ठीक नहीं है, बुढ़ापे में हेल्थ प्रॉब्लम ही होना है ना, क्या होना है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, मैं यही चाहती हूँ कि ध्यान से मैडम, जब सबके एमपीओ पे वो मिल के रिलीज हुए हैं तो अफसोस की बात है कि दोबारा उन खवातीन को पकड़। एक मिनट, एक मिनट, रास्ता छोड़ो यार, रास्ता छोटी, ध्यान ध्यान ये थोड़ा आगे क्या आप कह रहे थे? ठीक है, मेरे पास मैंने कहा खवातीन को दोबारा पकड़ लिया, जाती की बात है। उन बेचारी खवातीन ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसकी वजह से उनको पकड़ा हुआ है, और ये मेरा ख्याल है इससे बड़ी जाती और नहीं और हो सकती। बट एनीवे कोई बात नहीं, हम खड़े हैं। इमरान खान तो छूट के आ गए, अली भाई जमानत मिल गई, अदालत में बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आसानी ये मेरी वो ये बेटा, दिस हैज टू गो विद मी टू द हॉस्पिटल जी। देखें बात असल में ये है कि जो मर्जी हो, अल्लाह ताला खैर रखे ना, तो हम इन चीज़ों डरते हैं ना इन चीज़ों से घबराते हैं। हम खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह इमरान खान के मौकफ के साथ मुसलसल खड़े रहेंगे। इल्ज़ाम ये था कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ लोगों को लेके गए, ये इल्ज़ाम लग रहा है। तो मैं किसको लेके जाती तो नहीं जा सकते थे ना, लोग ही जाते हैं ना। जब सारे लोग खुद गए, मैं उनके साथ गई, और कोई किसी किस्म की तोड़ फोड़ और हर चीज़ से मना किया गया। हर मरतबा हमने उनको मना किया, कोई ऐसा काम ना आप करिए जिससे खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो या खुदा ना खास्ता किसी चीज़ का नुकसान हो। आप याद रखिए, मैंने ये पहले भी कहा है कि ये आईजी ने जानबूझ के अपने बंदे बीच में डाल के हमारी बदनामी के खातिर ये खुद उसने काम शुरू करवाया, हम इसके जिम्मेवार नहीं है। थैंक यू सो मच।